Just for Hearts, your wellness partner. This is Saili, your yoga expert. So, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो कि है बेली फैट. सो योगा आसनास जो रहते हैं वो बेली फैट कैसे कम कर सकते हैं, ये बताने वाली हूँ मैं आज. तो इसमें बहुत सारे अलग अलग आसन्स है, सीरीज है आसन्स की, तो बैक टू बैक आप ये कर सकते हो. बेली फैट एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जो सभी लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि मुझे बेली फैट कम करना है, मुझे कुछ योगासन्स बताइए कि जैसे मेरा बेली फैट कम हो सके. तो आज ये वीडियो फाइनली मैं करने जा रही हूँ कि जिससे आपका बेली फैट कम हो सके, अगर आप ये डेली बेसिस पे करते हो तो. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. हम पहले ब्रीदिंग से स्टार्ट करने वाले हैं. Breathing in and out. Just take a deep breath in and deep breath out. Relax करेंगे हम पहले. और ये आसन करने के पहले आप जरूर वार्म अप कीजिए, जो मेरे पहले की भी वीडियोस में है, मैंने दिखाया हुआ वार्म अप कैसे करते हैं. सो आप वार्म अप कर सकते हैं पहले, उसके बाद आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, 12 सूर्य नमस्कार, और उसके बाद आप ये सब आसन कर सकते हैं जिससे आपका बेली फैट बहुत अच्छे से रिड्यूस होगा. सो वी विल जस्ट स्टार्ट. क्लोज योर आईज, आपकी आंखें बंद करनी है, आपकी बैक स्ट्रेट है, योर शोल्डर्स आर रिलैक्स. आपको इनहेल एंड एक्सहेल करना है. टेक अ डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट. इससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और जो भी हम आगे आसन करने वाले हैं उसके लिए बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी. इनहेल, एक्सहेल, और दो बार करना है. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. और जेंटली आपकी आंखें खोलनी है. इसके बाद हम एक्सटेंडेड प्लैंक, जो कि चतुरंग बोलते हैं जिसको, वो करने वाले हैं. तो इसके लिए इसी पोजीशन से हमें दोनों हाथ सामने लेके आने हैं और शोल्डर डिस्टेंस रहेगा, जो कि हमारे शोल्डर्स है उतना ही हमारे हैंड्स में डिस्टेंस रहेगा. और आपके दोनों जो लेग्स है, पहले ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है इधर आपको, और फिर उसके बाद आपको आपके लेग्स पीछे लेके जाना है. तो यू कैन डू विद मी, इनहेल एंड एक्सहेल, और ये स्ट्रेट होना चाहिए इसी लाइन. अगर ये पोजीशन आपको नहीं जम रही है तो आप दोनों लेग्स आपके नीचे रख के भी ये कर सकते हो, सिर्फ आपको आपके जो नीज है वो ऊपर उठाने हैं. तो ये भी एक उसमें वेरिएशन आप कर सकते हो अगर आपको ये पोस्चर नहीं जम रहा है. यू हैव टू होल्ड हियर एक्सटेंडेड प्लैंक. डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट. आपका नेक नीचे नहीं झुकना चाहिए, सीधे ही रहना चाहिए. और उसके बाद हम पोस्चर चेंज करेंगे धीरे से. आपने आपके जो नीज है वो नीचे रखने हैं, इसे टेबल टॉप पोस्चर कहते हैं. सो इस पोस्चर के बाद हम दोनों जो नीज है वो ऊपर उठाएंगे. तो ये पोस्चर हम होल्ड करेंगे. You can hold it for 15 seconds and then you can extend till 30 seconds. Lift your knees up and hold. इससे जो है पूरा प्रेशर है आपके बेली पे आता है और बेली फैट रिडक्शन के लिए हेल्प करता है. डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट. धीरे से नीचे. यही सेम पोस्चर आप रिपीट कर सकते हो 15 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स और सेट्स कर सकते हो आप इसमें. तो जैसे कि 15 सेकेंड्स का एक सेट किया आपने, फिर उसके बाद रिपीट करना है. अगेन यू कैन डू इट फॉर 15 सेकेंड्स एंड 15 सेकेंड्स. तो इसके बाद जो है हम करने वाले हैं काउ कैट. सेम पोस्चर में
अभी इधर से हम काउ कैट करेंगे. सो अगेन टेक योर हैंड्स फॉरवर्ड. आपके जो नीज है उसमें भी डिस्टेंस रहेगा और आपके जो टोज है अभी वो बाहर रोल हो जाएंगे. एंड इनहेल एंड गो आउट. एक्सहेल एंड कम इनसाइड. ये सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए है और जिससे आपकी बैक रिलैक्स हो जाएगी. जो हमने एक्सटेंडेड प्लैंक किया है और जो टेबल टॉप पॉस्चर किया है उससे जो बैक स्ट्रेचेस मिलते हैं बैक को, तो वो रिलीज हो जाएंगे काउ कैट पॉस्चर करने के बाद. इन एंड आउट. अगेन इन. दिस इज वेरी गुड पॉस्चर फॉर लोअर बैक पेन. जैसे कि मेरे लोअर बैक पेन की वीडियो में भी ये बताया गया है. अभी धीरे से हम पीछे बैठने वाले हैं, रैपिड पोस्चर जिसे कहते हैं. तो दोनों आपके जो लेग्स है वो एक्सटेंड करने हैं, आपको स्प्लिट आउट करने हैं और इसके बाद आपको नीचे जाना है. लाइक दिस. रिलैक्स हो जाए. डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट. और धीरे धीरे पीछे आके आपको स्ट्रेट होना है. इधर से ही अभी टेक योर लेग्स फॉरवर्ड. अभी हम बोट पोज करेंगे, बोट पोस्चर जिसे कहते हैं, नौकासन. तो बहुत लोगों को ये पता होगा कि नौकासन किया जाता है बेली फैट रिडक्शन के लिए, बट उसके बहुत वेरिएशंस भी होते हैं और अलग तरह से किया जाता है जिसकी वजह से आपका बेली फैट रिडक्शन होता है. सो जस्ट वी विल सी विद इट. पहले आपके दोनों लेग्स इस पोस्चर में होने चाहिए, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके दोनों हाथ आपके साइड में. ठीक है, डीप ब्रेथ एंड डीप ब्रेथ आउट. और धीरे से जो पहली बार कर रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ लेग्स उठाने हैं, हाथ वैसे ही रखने. तो बैलेंस करना है अपने आप को. ठीक है, डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट. बैलेंस योरसेल्फ. फोकस, एक पॉइंट पे फोकस करना है आपको तो बैलेंस बना रहेगा. धीरे से पैर नीचे रखना. तो ये जो था ये बेसिक था कि जो आप जो बिगनर्स हैं उनके लिए था. और अभी जिनको बैलेंस अच्छे से हो रहा है तो उन्होंने लेग्स उठा के उसे और एक्सटेंड करना है और हाथ उठाना. यू कैन डू इट लाइक दिस. तो इससे जो भी प्रेशर है आपका वो इस पार्ट में आता है तो उससे बेली फैट रिडक्शन के लिए हेल्प होता है और वो आपके लेग्स और आपके थाइस पे भी वर्क होता है. सो इट इज वेरी गुड आसना. यू कैन ऑल्सो डू दिस वन लेग अप वन लेग डाउन. ब्रीदिंग कंटिन्यू करना है. और धीरे से नीचे. सो ये था नौकासन. जो बोट पोज है जिसे हम कहते हैं वो मैंने करके दिखाया. अभी इधर से ही जैसे हमारे बैक को थोड़ा स्ट्रेन हो रहा है तो हम बेबी पोस्चर जिसे बोलते हैं तो वो करेंगे. तो यू जस्ट हैव टू लाई डाउन ऑन योर बैक. इधर से ही आपने आपके दोनों लेग्स जो है वो ऊपर उठा के उन्हें पवन मुक्तासन की पोस्चर है ये. और सिर्फ रोल करना है, रोल साइड टू साइड. सो इससे आपकी जो बैक पे स्ट्रेच आया है वो रिलीज होने में हेल्प होगा. एक डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट. इधर से हम लेग राइज अप करेंगे. सो जस्ट
टेक योर बोथ द लेग स्ट्रेट, स्ट्रेट करने हैं, एक डीप ब्रेथ इन डीप ब्रेथ आउट, और दोनों लेग को स्टमक के पास लेके आते हुए आपने लेग्स को ऊपर उठाना है स्ट्रेट एंड स्लोली स्लोली डाउन. शोल्डर्स रिलैक्स होंगे आपके. अगर आपको स्ट्रेन हो रहा है तो आप आपके हाथ आपके बट के नीचे रख सकते हो, तो इससे आसानी होती है व्हेन यू गो डाउन. धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे आपको आपके लेग्स नीचे लाने हैं और हाथ निकाल लेने हैं. अगेन यू कैन डू द सेम थिंग, रिपीट इट, रिपीट विद मी, टेकिंग इट अप, इनहेल एक्सहेल एंड स्लोली स्लोली डाउन. तो ये करने से बेली फैट पे प्रेशर आता है और आप होल्ड कर सकते हो पोस्चर. जैसे मैंने अभी होल्ड किया है, यू कैन होल्ड द पोस्चर फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन यू कैन गो डाउन. तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है टू रिड्यूस योर बेली फैट. डीप ब्रेथ इन डीप ब्रेथ आउट. इसके बाद रिलैक्सेशन आता है. तो रिलैक्सेशन में आप आपका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड आपके बेली पे रखते हो. डीप ब्रेथ इन डीप ब्रेथ आउट, रिलैक्स योरसेल्फ, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड अ डीप ब्रेथ आउट. आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स करनी है आपको आपके ईच इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के साथ. रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर लेग्स, योर एब्डोमेन. Take a deep breath in, deep breath out. आज हमने देखे बेली फैट रिडक्शन के लिए योगासन्स. तो ये जो मैंने अभी आसन्स बताए हैं, तो ये आप सेट्स में कर सकते हो और आप सेकंड्स के लिए होल्ड कर सकते हो. जैसे 10 सेकंड्स है, 15 सेकंड्स है, 30 सेकंड्स है, और धीरे धीरे आप जो काउंट है वो बढ़ा सकते हो. तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कैपेसिटी है, जो कोर स्ट्रेंथ है आपकी, वो बढ़ेगी धीरे धीरे. आपकी जितनी पहले कैपेसिटी है आप काउंट पे कर सकते हो, जैसे 1, 2, 3 ऐसे करके आप होल्ड कर सकते हो आसन, और उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो काउंटिंग. सो ये बहुत ही इजी और जो रोज आप कर सकते हो ऐसे आसन मैंने बताए हैं. तो ये बेली फैट रिडक्शन के लिए है, और नॉर्मली भी आप ये सब आसन कर सकते हो, और ये थाइस पे भी वर्क करेंगे, क्योंकि जो भी आसन है तो ये पूरे बॉडी पे वर्कआउट होते हैं. ऐसे नहीं होता है सिर्फ बेली फैट पे ही वर्कआउट होगा. तो जो नौकासन मैंने बताया है उसमें आपके लेग्स वर्कआउट होते हैं, जो टेबल टॉप बताया है उसमें आपके लेग्स वर्कआउट होते हैं. तो योगा जो है वो सिर्फ बहुत ही आसान आसनों के लिए नहीं होता है. एडवांस योगा में आपको सभी तरह के जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं. तो इससे बेली फैट रिडक्शन होता है, वेट लॉस भी होता है, और बहुत ही अच्छे से आपको सबका फायदा मिलता है. तो ये पूरी वीडियो आप देख सकते हो, और उससे उसके साथ ही आप ये क्लास ज्वाइन करके आपका डेली रूटीन सेट कर सकते हो. मेरी सूर्य नमस्कार की वीडियो है, वार्म अप की वीडियो है, वो इसके पहले आप कर सकते हो, और उसके बाद में ये सब आसन ज्वाइन करके पूरा एक घंटे का आप जो आपका वर्कआउट है, योगासन का क्लास है, वो पूरा कर सकते हो. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. और जो जिनको भी जरूरत है ऐसी वीडियो की, ये वीडियो की, जिनको बेली फैट रिडक्शन की जरूरत है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, सो उन्हें भी फायदा होगा. और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और आगे भी बहुत सारी मैं वीडियोज लेके आने वाली हूँ, योगा की है, वर्कआउट की है, सूर्य नमस्कार की है. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.